बाकी क्या क्या सुनने में आया कि कानों से हवा निकल गई हमारे। जाके अपने गुलगुले को ढूंढना चाहिए और रवाना होना चाहिए राज कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए, क्योंकि राज कायनात का दरवाजा हमारा इंतजार कर रहा है और बाहर शहजादी। शहजादी कम्मू तुम्हें बुला रही है। नक्षड़ी और कम्मू सोन मीनार के लिए निकल गई तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कम्मू गई तो भोली भी उसके साथ जाएगी और अम्मी की दुआ भोली पर असर करे उसके लिए उसका यहाँ होना बेहद जरूरी है। उसे कहीं मत जाने देना। शहजादी। हाँ हाँ वजीरे आला। ये दरख्वास्त का जो डब्बा है भर चुका है, हम इसे लेके दरगाह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जाने के बाद यहाँ पर कोई आ गया फिर? अरे आता हो तो आने तो मनहूस। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, बस ये कि अब गुंजाइश है नहीं कि किसी के माफीनामे को कबूल किया जाए। बक्से में जगह ही नहीं बची। अब बेचारा जो कोई भी आएगा मायूसी हासिल होगी उसे। भाई मेरे भाई, मैं एक काम करता हूँ, अपनी जगह यहाँ अंगूठी छाप को भेजता हूँ और जाकर अम्मी अब्बू को देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। कम्मू को सोन मीनार जाने से रोकने से ज्यादा जरूरी इस वक्त और कुछ भी नहीं है। क्या करूँ? खुदा अब तू ही कुछ कर। मुझे भी माफीनामा देना है। अम्मी, अम्मी यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मी तो गलती से भी गलती नहीं कर सकती, तो फिर अम्मी को क्यों माफीनामा देना है? चाची जान, ओ आलसी भैंस, क्या सोच रही है? जल्दी चल। दरगाह के बाहर पुरानी चप्पलें मेरा इंतजार कर रही होंगी। और उस समय बगदाद के छिलके, जिस दिन नाजनीन को पता चला तुम किस चाबी से चलते हो, नाजनीन वो चाबी ही तोड़ देगी। दरगाह बाद में जाएंगे, पहले शहजादी की मूंछड़ी उस रुखसार को तो ठिकाने लगा दूं। आज रात के जश्न में रुखसार दुआ तो क्या नात नोहे तक नहीं गा पाएगी। तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी मोहब्बत की दुश्मन। इससे पहले कि तुम्हें मेरा उल्टा हाथ लगे, चलो चलो चलो। रुबीना, मेरी प्यारी रुबीना। प्यारी प्यारी रुबीना, प्यारी रुबीना, प्यारी प्यारी। खाला, आपको भी माफी नामा देना है। जी शहजादी, मेरे अलादीन और जीनू की तरफ से। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि हमें माफ कर दे। किसी ने सच कहा है, ऊपर वाला जहां खुद नहीं पहुंच सकता वहां अम्मी पहुंच जाती है। शुक्रिया अम्मी। पिछले कुछ दिनों से ये औरत कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है हमें। आप
बैठिए और जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए। आप लोगों ने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया, साबित भी कर दिया और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। आप बड़े लोग हैं, मुल्क चलाते हैं, आवाम आपके फैसले पर उंगली नहीं उठा सकती, पर एक माँ उठा सकती है। नहीं जानती कि मैं सही हूं या गलत, पर इतना पता है कि मेरे बेटे की बात है तो मैं जिद्दी हूं इंसाफ के लिए, और आज सच्चे दिल से ये दुआ करने आई हूं कि बादशाह सलामत के असली कातिल को सजा जरूर मिले। वो रहती दुनिया तक तड़पे, या कोई और। इस माफीनामे में मेरे दूसरे बेटे भोले मासूम चीनू का नाम भी है। चीनू ने अगर कभी कोई गलती की तो यकीनन उसका जिम्मेदार कोई और ही होगा, पर मैं खुद की और चीनू की अनजाने में की हुई हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ इस माँ को उसका बेटा लौटा दे। मुझे मेरा चीनू चाहिए। इतना भी नहीं जानती कि इसका चीनू तो अब खत्म हो गया है। जितना चाहे दुआ कर ले, लेकिन अब लौट के आने वाला नहीं। आपको आपका चीनू मिलेगा अम्मी, और खुदा ने चाहा तो आज ही मिलेगा। भाई मेरे भाई, वो देखो। बेटे की तुम टोली। जी आका। टोली भोली चीते की तरह रसोई की तरफ जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। मैं फिलहाल यहां से हिल नहीं सकता, और चाचा तुम भी अपनी जगह पर रहना, वहां से हिलना मत। अंगूठी छाप और चीनी मिनी। जी आका। तुम जाकर किसी भी तरह भोली को रोको, जाओ। हाँ। चलो, सारी तैयारियां हो गई, अब खाना खाना है। बहुत जोर की भूख लगी है, खाना खाना है, खाना। अंगूठी छाप जिनी मिनी, जल्दी जाओ। गुस्से को पिघला दे प्यार के छोटे छोटे हथौड़े। गरम पकोड़े। इस घाव को कैसे रोके? इसने तो सजावट भी खत्म कर दी। मैं सब खाऊंगा, सब खाऊंगा मैं। क्या कर रहे हो तुम? खाने को देखकर छोटा सरपट दौड़ा, लेकिन हाथ नहीं आएगा एक भी पकोड़ा। बेटा, आ,
क्या बेवकूफी है? रसोई घर में मेढक क्यों टटरा रहे हैं? जहां पे खाना होना चाहिए, आज शबे बारात का जश्न है, खाना होना चाहिए, पीना होना चाहिए, लेकिन जहां मेढक क्यों है? मेढक क्यों पाले तुम लोगों ने? अरे पाल नहीं था तो बिल्ली का बच्चा पाल लेते। मेढक कौन पालता है? मुझे भूख है, भूख लगी है मुझे, भूख। अंगूठी छाप जितनी तेजी से हमारी भोली खाना सूंघ लेती है, उसे उतनी तेजी से जादू भी हम सब पकड़े जाएंगे। चीनी मिनी, जादू पकड़ने के लिए उसे अपना दिमाग लगाना होगा, और भूख के मारे उसका दिमाग नहीं चलता, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। भूख लगी मुझे, मुझे खाना दो, खाना दो। रुके रहो, मैं आ रहा हूँ। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, खाना तो नसीब हुआ। अंगूठी छाप कुछ करो। हाँ, मंजिल है करीब छोटे, थोड़ा और सहले, थोड़ी देर और बिना खाने के रह ले। खाना खाना शब्बाश अंगूठी छाप। अरे ये वो क्या रहा है? कहीं मेढक कहीं हूँ, इस रसोई घर में क्या लगा है? जुनैद जी निकलिए यहाँ से। बदतमीज, तुम्हारी ये जुर्रत? जुर्रत तो मेरी आपको तब समझ में आएगी जब शहजादी से मैं आपकी शिकायत करूंगी। जी तो कर रहा है सपू औरत को यही मजा चखा दूं, लेकिन नहीं, आज तो मुझे आका को ले जाके राजे कायनात का दूसरा दरवाजा खोलना है, और अगर कहीं शहजादी को पता चल गया तो रायता फैल जाएगा। रायता। माफी माफी, बहुत भूख लगी है, कुछ तो करना पड़ेगा। आका, घबराहट के मारे मेरी जुबान मुंह के बाहर आ चुकी है और बोली रसोई से बाहर जा चुकी। देख रहा हूं मैं। गुल्लू, मुझे देखना है कि अम्मी का माफीनामा ये कबूल करता है कि नहीं। ये माफीनामा सीधा एक माँ के दिल से आया है, इसे तो ऊपर वाले को कबूल करना ही होगा, और ये बात जफर भी जानता है। हिम्मत है तो खाला का माफीनामा ले जफर। ये माफीनामे शबे बारात इन सब चीजों पर यकीन नहीं करते, पर औरत की बातें सुनने के बाद जरा सी घबराहट हो रही है। इसने बादशाह सलामत के असली कातिल के लिए सजा और अपने दूसरे बेटे की वापसी मांगी है। नहीं, इसका माफीनामा कबूल करके हम अपने हाथों से अपने कब्र तो नहीं खोद रहे? वजीर आला, क्या आप मेरा माफीनामा कबूल करेंगे? ये क्या इसका बाप भी माफीनामा कबूल करेगा? चाचा, जहां नकचड़ी है मुझे वहां मिलो। जी आका। तुम्हारा नाखून से पेट भरने का इरादा है क्या? फिक्र मत करो, जफर है कमीना, जिनू है भोला, बना दे हमें किलो वाला गोला।
क्या होगा? बताता हूँ। वज़ीर आला, आप ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं। नहीं, क्या हो गया आपको? नहीं नहीं नहीं। वज़ीरे आला, अगर आप मुझे बस इतना बता सकते कि आप माफीनामा कबूल करेंगे नहीं तो? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं 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 करेंगे करेंगे। करेंगे करेंगे करेंगे। अब हम इस कांटेदार तख्त और इस दरगाह में एक लम्हा नहीं रुकेंगे। इस औरत का माफीनामा अल्लाह तक पहुंच भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर हम फौरन सोन मीनार ना पहुंचे तो फर्क जरूर पड़ेगा। मुझे लगता था कि तुम्हारा डरावना चेहरा देखकर सिर्फ मेरा दिल कांप उठता है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर गार भी कांप उठती है। इतना भयानक है तुम्हारा चेहरा। कसम सोने की अशर्तियों की मियाँ, अपनी बेइज्जती करवा करवा के थकते नहीं? अरे ये कोई मामूली गार नहीं, ये गारे बद्दुआ है, गारे बद्दुआ। बहुत क्या गारे बद्दुआ, यानी के मशहूर बाबा मनहूस का अड्डा। मिया, इस जगह का पता मिलना आसान नहीं था। मेरी ममेरी बहन के चचेरी सास की फूफी के छोटे भाई ने मुझे इसका पता दिया। अरे किसी ने भी दिया? मैं रोज तुम्हें देखता हूँ और मनुष्यत नहीं देखना चाहता। मैं चला। कहाँ चले मिया? कसम सोने की अशर्फियों की, नाज़नीन का दिल वैसे ही जला हुआ है। उस मनहूस रुखसार की सुरीली आवाज की वजह से नाज़नीन से शबे बारात पे गाने का मौका छीन लिया। नाज़नीन उससे उसकी आवाज छीन लेगी। कसम सोने की अशर्फियों की, आज नाज़नीन झूठ मूठ का रोजा है माफी रखेगी, झूठ मूठ की दुआएं मांगेगी उस मोटे जुनैद के लिए, और सच मुझ का गाना गाएगी अपनी सुरीली आवाज में, और गाना गा के वजीर आला का दिल जीत लेगी। फिर वजीर आला नाज़नीन से खुश होकर उसे उसे अपना खास बना लेंगे, और इस काम में मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, इसलिए चलो चलो चलो। बाबा मनहूस, नाज़नीन आ गई। बाबा मनहूस। शहजादी, ये माफीनामे का बक्सा, हम चलते हैं।
कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आगे भी नहीं होने देंगे। तोली, कमर कस लो, मुहिम का आखिरी पड़ाव शुरू होने को है, जिसमें अम्मी दुआ गाएंगी। जिनू नहीं देंगे, जिनू नहीं देंगे, जिनू नहीं देंगे।